मैं इन दिनों कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु के वचन के जो मूलभूत उपदेश हैं, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स, अधिष्ठान उपदेशंगल, उनमें से एक एक करके गीत के रूप में रचना करूं। और जब इस मंडली में एक से ज़्यादा लोग हैं जो गाने को ट्यून कर सकते हैं, तो हम गाने के द्वारा भी ना केवल प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, बल्कि प्रभु के वचन के जो मूलभूत उपदेश हैं उनको गाने के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने प्रभु के वचन से प्रभु के वचन के मूल उपदेशों का अध्ययन चालू किया था। मूल उपदेश उन उपदेशों को कहा जाता है जिनके ऊपर बाकी सारे के सारे उपदेश निर्भर करते हैं। तीन अध्ययन हमने इस विषय में कर लिए। पहले अध्ययन में मैंने ये बात याद दिलाई थी कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करके उसको सब कुछ दिया, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वयं की गलती के द्वारा उसको खो दिया। दूसरे संदेश में हमने देखा था कि मनुष्य के पाप के बावजूद, पाप की सजा मृत्यु है, इसके बावजूद हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ने मनुष्य को नया जीवन दिया, एक पूरी तरह से ऐसा जीवन दिया जो शाश्वत है। पिछले हफ्ते, मतलब मेरा जो पिछला संदेश था, उसमें मैंने ये बात याद दिलाई थी कि जब प्रभु हमको शाश्वत जीवन देते हैं तो वह शाश्वत जीवन कब तक हमारे साथ रहेगा। कई बार लोग पूछते हैं, शास्त्री सर, प्रभु ने शाश्वत जीवन तो दे दिया, लेकिन मैं कई बार अपने जीवन में गलतियां कर जाता हूं, मैं गलती करना नहीं चाहता लेकिन कई बार अनजाने गलतियों में गिर जाता हूं, और इस कारण वो शाश्वत जीवन मुझसे छीन लिया जाएगा, क्या मैं उस शाश्वत जीवन को खो तो नहीं दूंगा। पिछले हफ्ते प्रभु के वचन से हमने ये देखा था कि प्रभु ने जिस चीज़ को शाश्वत कहा है वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब है जो सदा सर्वदा के लिए है। यहाँ दो शब्द हमारे सामने हैं जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिसके बाद आज के विषय में हम प्रवेश करेंगे। हिंदी के दो महान शब्द हैं। पहला शब्द है सनातन। सनातन उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। अनादि और अनंत को अपन सनातन कहते हैं। इस संसार में सनातन सिर्फ एक व्यक्ति है, मनुष्य का सृष्टा, वो सनातन ईश्वर जिन्होंने मनुष्य की सृष्टि की, वे हैं सनातन। अनादि भी हैं, अनंत भी हैं। उस ईश्वर के अलावा इस संसार में सनातन और कोई चीज नहीं है। जिसका भी आरंभ हुआ है वो सनातन नहीं है। हम सबका आरंभ हुआ है, हमने जन्म के साथ आरंभ लिया है, इसलिए हम सनातन नहीं हैं। लेकिन जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण हमको एक नया जीवन दिया जाता है जो सदा सर्वदा के लिए है। और जो चीज़ सदा सर्वदा के लिए है उसको अपन हिंदी में कहते हैं कि ये शाश्वत है। तो मुझे और आप में से, मुझ में, मैं और आप, हम में से जितने लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उनको एक ऐसा आत्मिक जीवन दिया गया है जिसके बारे में प्रभु के वचन में कहा गया है कि वो शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होगा। इस कारण हम में से किसी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है कि प्रभु ने हमको जो गिफ्ट दिया है, जो वरदान दिया है, वो हमसे खो जाएगा। नहीं खोएगा, क्योंकि वो शाश्वत है। आज एक और प्रश्न जो हमारे मन में है, वो उसका उत्तर मैं प्रभु के वचन से देना चाहता हूँ। और वो प्रश्न ये है कि ठीक है, मैं पापी था,
प्रभु ने मेरे पापों की सजा भुगत ली, और जब मैंने प्रभु के बलिदान को स्मरण किया तो प्रभु ने मुझे पापों से क्षमा प्रदान की और मुझे एक नया जीवन दिया। आइंदा मेरे पास शाश्वत जीवन है, लेकिन प्रभु के सामने मेरी हैसियत क्या है, प्रभु के सामने मेरा पोजीशन क्या है? ये प्रश्न हमारे मन में इसलिए आता है क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि एक बार जब किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाता है तो चाहे बाद में ये सिद्ध हो जाए कि वो आरोप गलत था, इसके बावजूद लोग उसको अपराधी के रूप में ही देखते हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए किसी बड़े अपराध में पकड़ा गया और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का फाइन होता है, और यदि कोई उसका नाते रिश्तेदार मित्र आकर उसको 1 करोड़ रुपए का फाइन चुका देता है तो उस व्यक्ति को कोर्ट छोड़ देता है, लेकिन सदा सर्वदा उसके नाम के साथ ये जुड़ा रहता है कि ये पापी था, ये अपराधी था। इस बात को आप सब जानते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके नाम के साथ उनका जो भूतकाल में उन्होंने जो किया था वो जुड़ा हुआ है। मेरे पड़ोस में एक आदमी था, उसके बारे में आरोप था कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक आदमी की हत्या की है। बाकायदा वो उसको जेल भेजा गया, लेकिन जब कोर्ट में सारे प्रमाण जांचे गए तो कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति ने हत्या की है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उसको बाइज्जत छोड़ दिया। लेकिन हम जिस कॉलोनी में रहते थे उस कॉलोनी में उस व्यक्ति का नाम पड़ चुका था हत्यारा। हमारे कॉलोनी का जाना माना जवान था, और जैसे ही पुलिस ने पकड़ के हत्या के आरोप में उसको जेल में डाल दिया, सारी कॉलोनी के लोग उसका नाम भूल गए, उसको एक नया नाम दे दिया, हत्यारा। और कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, बाकायदा इज्जत के साथ छोड़ दिया, लेकिन उसको इज्जत मिल गई क्या वापस? नहीं, हमारे कॉलोनी में तो इस आदमी को इज्जत वापस नहीं मिली। जिंदगी भर उसके पीठ पीछे लोग उसको हत्यारा ही कहते थे। मेरे जान पहचान का एक और आदमी था, उसका नाम था करोड़ीमल। अपन करोड़ीमल किसको कहते हैं? जिसके पास करोड़ों होते हैं। लेकिन इस आदमी का नाम करोड़ीमल क्यों पड़ा? इसलिए कि किसी तो भी आरोप में वो पकड़ा गया, उसके बाप ने करोड़ रुपए रिश्वत देके या कुछ कर करा के उसको छुड़ा लिया, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसका नाम करोड़ीमल पड़ गया क्योंकि अपराध के नाम पे गिरफ्तार हुआ था। और वो छूट जरूर गया है, लेकिन उसका नाम छूटा क्या? पहले जिसकी बारे में मैंने कहा था उसको कोर्ट ने छोड़ दिया कि वो हत्यारा नहीं था, लेकिन हत्यारा नाम छूटा क्या? नहीं। जीवन में एक बार दाग लग जाए, धब्बा लग जाए, तो उसके बाद उस धब्बे को साफ करना मुश्किल हो जाता है। उस आदमी को वो शादी करना चाहे, कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता है। इस बात को हम में से जो लोग जानते हैं, हम सबके सामने एक बड़ा प्रश्न यह है, मैं पापी था, प्रभु यीशु ने मेरे पापों की सजा सह ली, जब मैंने प्रभु के चरणों में जाकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया, प्रभु ने मुझे शाश्वत जीवन दिया, अब वो जो धब्बा मेरे ऊपर लगा था वो मिट गया क्या? प्रभु के सामने वो धब्बा मिट गया क्या? प्रभु आज भी मुझे एक माफ किए हुए पापी के समान देखते हैं क्या? क्योंकि यदि माफ किए हुए पापी के समान देखते हैं तो उसका मतलब है कि आज भी वो धब्बा वहां पे है, जिस तरह से ये छूट गया है लेकिन लोग उसको हत्यारा कहते हैं, दूसरे को उसके बाप ने छुड़ा लिया लेकिन सब उसको
करोड़ी मल कहते हैं, मतलब करोड़ रुपए से कि छुड़ौती दी, फिरौती दी, तब वो छूटा। परमेश्वर के सामने, ईश्वर के सामने, इस संसार के सृष्टा के सामने मेरे और आपकी क्या हैसियत है? इसका उत्तर हमको मिलता है रोमियों की पत्री 5वें अध्याय के पहले पद में। ये आपके आपके पास जो पवित्र बाइबल है उसमें नए नियम में पेज 213, नए नियम में पेज 213, जरा इसको खोल के देख लें। नए नियम में पेज 213 पर अध्याय 5 का पहला पद ये कहता है, इस कारण जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आप कहेंगे कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आपने पढ़ के सुनाया, इसका अता पता कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, उसके व्याख्यान के लिए तो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पहली बात, यहाँ एक शब्द आया है और वो शब्द है धर्मी। जरा एक बात बताइए, ये शब्द अपन रोज रोज नहीं यूज करते, ठीक है? रोज रोज यूज नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति को धर्मी कब कहा जाता है? जरा ध्यान से मेरे प्रश्न को सुने, किसी व्यक्ति को धर्मी कब कहा जाता है? मान लीजिए कि आपके गांव में नंबर 1 लुच्चा, शराबी, कबाबी था और किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। लोग खड़े होकर कहेंगे क्या कि अरे वो तो बड़ा धर्मी आदमी था? नहीं कहेंगे। मान लीजिए कि इस तरह का कोई आदमी अपने जीवन के एक 40वें साल की उम्र में एकदम से उसका जीवन पलट गया, उसके पास जो करोड़ों की संपत्ति थी वो दूसरों को मदद करने के लिए, दान धर्म के लिए लगाता है, वो गुजर जाता है, लोग कहेंगे क्या कि वो धर्मी था? कहेंगे, लेकिन वो यों कहेंगे कि अरे 30 साल की उम्र तक तो नंबर 1 बदमाश था या नंबर 1 लुच्चा था, उसके बाद ईश्वर ने उसके जीवन में दया दिखाई तो जीवन के आखिरी अवसर पर जो है उसने अच्छा बनने की कोशिश की। लेकिन मान के चलिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो पैदाइश से ऐसा बालक जो ना तो झूठ बोलता है ना दूसरों के साथ मारपीट करता है, जो एक करोड़पति परिवार में पैदा हुआ है, जो जीवन में हर तरह का ऐब कर सकता है लेकिन वो इस तरह का कोई कार्य नहीं करता, ना नशा करता है, ना दोस्तों के साथ कोई गलत कार्य करता है, बल्कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जरूरत हो और उस व्यक्ति के पास चला जाए कि भैया मुझे फलानी फलानी परेशानी है, तो वो व्यक्ति उसकी मदद करे, जब ऐसा व्यक्ति गुजर जाता है तो लोग क्या कहते हैं? आज एक महान धर्मी व्यक्ति इस संसार को छोड़ गया और आज ये दुनिया कंगाल हो गई है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। हम सब आज इस सत्संग में जितने लोग बैठे हैं, हम सब की उम्र इतनी हो गई है कि हम सब इस तरह की बातें सुन चुके हैं। अच्छे लोगों के बारे में भी सुनते हैं, बुरे लोगों के बारे में भी सुनते हैं। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, इस कारण आज मैं आप सबके सामने फिर से ये प्रश्न रखना चाहता हूँ। मैं और आप, संसार के सृष्टा, ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि जब संसार के सृष्टा हमको देखते हैं तो उनको दिखाई देता है पाप से भरा हुआ एक जीवन,
जिसका मन इतना मैला और कुचैला है कि उसके मन में जो बातें प्रतिदिन गुजरती हैं वो दूसरे को बताई नहीं जा सकती, ऐसा व्यक्ति जाकर प्रभु से प्रार्थना करता है, याचना करता है, प्रभु उसका एक उसको एक नया जीवन दे देते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि उस व्यक्ति की पहचान प्रभु के सामने क्या है? क्या उस करोड़ीमल के समान जिसके अपराध के लिए करोड़ रुपए दे दिए गए थे लेकिन समाज ने इस बात को कभी नहीं स्वीकार किया और करोड़ीमल उसका नाम नहीं पड़ा बल्कि उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका नाम पड़ गया कि अरे भैया आज तुम समाज में बड़े अच्छे बन के ठाट से घूम रहे हो लेकिन तुम्हारे बाप ने करोड़ रुपए दे के तुमको जेल जाने से बचाया था। उसका नाम हमेशा उसको याद दिलाता है कि भैया तुम तो पापी थे, तुम अपराधी थे, बाप ने बचा लिया तो क्या हुआ, तुम थे तो वो। इसी तरह से जिसको कोर्ट ने बाकायदा हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया, लोग उसको हत्यारा क्यों बोलते हैं, कारण है, अरे भैया कोर्ट ने तुमको मुक्त तो कर दिया लेकिन तुम पकड़े क्यों गए थे, इसलिए कि एक हत्यारे के साथ तुम्हारा साथ था, तुम एक हत्यारे के साथ बैठते थे, खाते थे, उठते थे, चलते थे, फिरते थे और इस कारण भले ही तुमने हत्या ना की हो लेकिन नाम तो तुम्हारा बुरा हो गया ना। आज सवाल यह है कि जब प्रभु के सामने मैं और आप खड़े होते हैं तो मेरी और आपकी पहचान क्या है? पहचान यह है क्या वो शास्त्री फिलिप ग्वालियर में स्कूल में पढ़ता था, ऐसी कौन सी शरारत है जो इसने नहीं की, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए इसको सजा नहीं मिली, और इसके साथी लोग कौन कहां से साफ किस्म के लोग थे, और ये तो प्रभु की दया थी कि इसने बंदूक उठाकर हत्या नहीं कर दी। मैं अपना बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जिस चंबल में पला था वहाँ कॉलेज में तो मेरे साथ अगल बगल में जो बैठते थे जेब में दो दो रिवाल्वर रख के बैठते थे, उस इलाके में उसको कट्टा कहा जाता है, एक नाम जो आप में से सबने सुना हो। तो प्रभु ये कहेंगे क्या कि अरे तू तो ऐसे साथियों के बीच में बैठता था, इधर हत्यारा था उधर हत्यारा था और मैंने तुझे रोक नहीं लिया होता तो तू भी हत्यारा हो जाता है, ये बोलेंगे क्या प्रभु मुझसे? उसका उत्तर है आज हमने जो पढ़ा कि जब हम प्रभु यीशु पर मैंने और आपने जिन्होंने भी विश्वास किया है विश्वास किया तो हमको एक नई पहचान दे दी गई, और वो नई पहचान क्या है, ये वो पहचान ये है क्या, क्षमा किया गया पापी, ये है क्या मेरी आपकी पहचान? वो ग्वालियर वाला कुकर्मी जिसको अब नया जीवन दे दिया गया है, या ग्वालियर के बदले आप अपने गांव का नाम जोड़ लीजिए कि फलाने जमाने का, अरे वो निकम्मा जो फलाने गांव का था जिसको प्रभु ने बचा लिया, नहीं, ये सच है कि मैं और आप निकम्मे थे, पापी थे, प्रभु की नज़र में हर तरह से अपराधी थे, तन मन धन से हम अपराधी थे, लेकिन जब हम एक बार प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो प्रभु हमारे नाम के साथ एक टैग जोड़ देते हैं। आप पूछेंगे टैग क्या बला है, हम सब ने देखा है ये टैग क्या होता है, अब तो आधुनिक दुकानदारी का जमाना है, आप किसी भी स्टैंडर्ड दुकान में चले जाएं तो शर्ट के ऊपर बाकायदा पर्ची लगी होती है, फलानी कंपनी का बना, फलानी कंपनी का शर्ट, फलाने साइज का शर्ट, फलानी कीमत का शर्ट, उस पर्ची को टैग बोलते हैं, और इवन दुकान में जो लोग उसको बेचते हैं वो भी उस शर्ट की पहचान के लिए उसी टैग का सहारा लेते हैं कि हाँ ये कौन सी कंपनी का है, ये किस साइज का है और इसकी कीमत क्या है। क्यों? इसलिए कि वो जो टैग, वो जो पर्ची लगी है उसको उखाड़ के फेंक दो तो फिर तो उस दुकान में
शर्त ही शर्त है, किसी को कुछ नहीं मालूम कि कौन सा किस कंपनी का है, किसकी क्या कीमत है, किसकी क्या क्वालिटी है। तो जिस तरह से जब आप एक दुकान में जाते हैं, वहाँ हर चीज़ के ऊपर उस वस्तु की पहचान के लिए, वो उस वस्तु के क्वालिटी की पहचान के लिए, उसके कीमत की पहचान के लिए एक पर्ची, एक टैग लगा दिया जाता है, उस तरह से जिस क्षण हमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, उस समय हमारे ऊपर एक सील, एक मोहर लगा दी जाती है। और वो मोहर क्या है? धर्मी शास्त्री फिलिप, इसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, ये धर्मी है। सील, जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उसके ऊपर सील लगा दिया जाता है कि ये धर्मी है। एक बात बताइए, मनुष्य सील लगाता है, उसको उखाड़ के फेंका जा सकता है, लेकिन शाश्वत जीवन हमको प्रदान करके, प्रदान करने वाले सनातन ईश्वर जब हमारे ऊपर एक सील लगा देते हैं, ये व्यक्ति धर्मी है, उस सील को कोई व्यक्ति हटा सकता है क्या? कोई नहीं हटा सकता है। आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनमें से जितने भी व्यक्तियों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उन सब के जीवन में प्रभु की ओर से ये निशानी लगी है, ये सील लगा हुआ है, ये टैग लगा हुआ है कि ये व्यक्ति धर्मी है। धर्मी है का क्या मतलब है, ये भी हम जरा समझ लें। धर्मी शब्द हिंदी में पापी शब्द का विपरीत है। आप एकदम से शायद डर जाएंगे कि शास्त्र सर आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद भी जीवन में गलती की है। जी हाँ, हम सब गलती करते हैं, हम सब जाने अनजाने में पाप में फंस जाते हैं, लेकिन प्रभु की दया है कि प्रभु ने हम पर वो जो ठप्पा लगाया है, वो जो सील लगाया है धर्मी का, वो हटाया नहीं जाएगा। इसके पीछे कारण है, या दो कारण हैं। पहले मैं दूसरा कारण आपको बता दूं, इसके पहले भी पहला यूहन्ना 1:9 मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। अपने पिछले अध्ययन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक व्यक्ति के जीवन में नया जीवन प्राप्त, मुक्ति प्राप्त एक व्यक्ति के जीवन में पाप आ जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने और हमको सारी अशुद्धता से दूर करने के लिए विश्वास योग्य है। इसका मतलब यह है कि एक प्रभु यीशु के पास आकर, एक बार शाश्वत जीवन पाकर, एक बार धर्मी का लेबल, निशानी, पहचान प्राप्त करने के बाद, मान लीजिए मेरे आपके जीवन में कोई गलती आ जाती है, तो मेरी आपकी जिम्मेदारी है प्रभु के पास जाकर उस पाप को मान लेने के लिए। और जैसे ही हम मान लेते हैं, वैसे ही प्रभु उसको एकदम से हमारे जीवन से क्षमा करके हमको शुद्ध कर देते हैं। हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है, हमारा जो व्यावहारिक जीवन है, प्रतिदिन का जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से हम रोज दांत साफ करते हैं, मुंह साफ करते हैं, सो के उठने के बाद आंखें धो लेते हैं, शौच के लिए जाते हैं, स्नान करते हैं, उसी प्रकार मेरे आपके लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है। और वो क्या है? मेरे आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज़ रोज़ के जीवन में जो भी गलती आ गई है, जो भी अशुद्धि आ गई है, जो पाप आ गए हैं, प्रभु के सामने मान लें कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे जीवन में ये बात नहीं होनी चाहिए थी, कल मेरे साथ जो काम कर रहा था उसने एक जरा सी गलती की और प्रभु मैं तो बहुत ही ज़्यादा कड़वे शब्दों में उससे बोला था, मुझे क्षमा कीजिए,
मेरी मदद कीजिए कि आज मैं जाकर उससे, कल मैंने कड़वे शब्दों में बात करके उसके दिल को दुखाया था, आज मैं उसके दिल को खुशी से भर दूँ। इस तरह से मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन के जीवन में जिस तरह से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, पाक करते हैं, उसी तरह से अपने आत्मिक जीवन को भी शुद्ध, साफ और पाक करें। एक फर्क इन दोनों में, एक फर्क है, दिन में जनरली अपन एक या दो बार दांत साफ करते हैं, जनरली सुबह और रात को दांत साफ करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हम अपने आप को शुद्ध और साफ और पाक हर क्षण करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में ये आदत होनी चाहिए कि हर क्षण हम अपने आप को जांचते चले जाएं, और जांचते समय यदि कोई गलती नज़र आई, चाहे सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो, दोपहर के बाद का समय हो, शाम का समय हो, रात का समय हो, तुरंत प्रभु के सामने क्षमा मांग लेनी चाहिए, जिससे कि उसी समय धो के पाक करके शुद्ध कर दिए जाए। ये हो गई दूसरी बात। अब है पहली बात। पहली बात यह है कि धर्मी ठहराए गए, इसका एक बहुत बड़ा महत्व, इसका एक बहुत बड़ा मतलब है, वो मतलब भी जरा आज हम समझ लें। मैंने इसके पहले एक क्लास में एक बार बताया था कि जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण हमको लेकर प्रभु यीशु के शरीर के अंग बना दिया जाता है। ये एक ऐसा विषय है जो आज से कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था, जिसका अध्ययन इस सीरीज़ में हम और ज़्यादा विस्तार से आगे करेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नाम का विषय, जब उसका अध्ययन करेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण न केवल हमको पाप से क्षमा मिल जाती है, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे और आपको लेकर प्रभु के साथ जोड़ देते हैं। आइंदा मेरा और आपका जीवन सिर्फ हमारा जीवन नहीं है, प्रभु यीशु के शरीर के साथ एक जुट होने के कारण वो सनातन प्रभु, प्रभु यीशु जिनकी धार्मिकता सनातन है, वो सनातन धार्मिकता हमको कवर कर लेती है, हमको ढांप लेती है। आप कहेंगे शास्त्री सर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, परफेक्ट उदाहरण नहीं है। जब हम प्रभु के बारे में बोलते हैं तब इस संसार का कोई भी उदाहरण परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कई बार इम्परफेक्ट उदाहरणों से भी के द्वारा अपन अच्छी बातें समझ सकते हैं। मान के चलिए कि आप बैठे हुए हैं और आपके सामने 5000 वाट का एक हैलोजन लैंप जल रहा है। 5000 वाट के हैलोजन लैंप की तरफ कोई देख सकता है क्या? कोई नहीं देख सकता। अरे 1000 वाट की तरफ देखो तो ठंड भर के लिए अंधे हो जाओगे। मेरे सामने आज ये जो लाइट लगा हुआ है, जो मुझे इतनी रोशनी दे रहा है, ये सिर्फ 15 वाट का है, सिर्फ 1500 हो जाए तो इससे 100 गुना हो जाएगा, और 5000 वाट हो तो इससे 350 गुना हो जाएगा। मैंने अभी बोलते बोलते मैं उधर देख लिया, ठंड भर के लिए आंखें रोशनी जो है दिखना बंद हो गया। 5000 वाट का मान लीजिए कोई लैंप आपके सामने लगा हुआ है, वहां पर एक चमगादड़ उड़ रहा है, वो चमगादड़ उस लैंप के पीछे जाके छुप गया। आप उस चमगादड़ को देखना चाहते हैं, आपको मालूम है कि 5000 वाट के लैंप के पीछे वो चमगादड़ बैठा है, और आप सामने से सीधे सीधे उस चमगादड़ को देखने के लिए 5000 वाट के बल्ब के सामने आँख खोल देते हैं। आपको चमगादड़ दिखाई देगा क्या? कुछ क्षण के लिए चमगादड़ को तो छोड़िए, कुछ क्षण के लिए आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? अति प्रकाशमान, वो जो प्रकाश का स्रोत है, उस स्रोत ने उस चमगादड़ को अपने पीछे छुपा लिया है, उसके काले रंग को पूरी तरह से कवर कर लिया है, आवरण कर लिया है, और इस कारण जब आप देखते हैं उस ओर तो वो चमगादड़ वहाँ पर है,
लेकिन आपकी आंखों में जो रोशनी पड़ती है वो 5000 वाट की रोशनी है। इसी तरह से प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तब प्रभु के वचन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस क्षण मैं और आप प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उस क्षण मैंने और आपने प्रभु पर जो विश्वास किया, उस विश्वास के कारण सनातन प्रभु यीशु की धार्मिकता हमको पूरी तरह से आवरण कर लेती है। उस कारण मुझे और आपको अब कोई नहीं देख सकता। मेरे और आपकी तरफ कोई देखेगा तो उसकी हालत वही होगी जो 5000, 50000, 5 लाख या 5 करोड़ वाट के हैलोजन लैंप की तरफ देखने से होगा। क्या होगा? सिर्फ वो रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। उसके पीछे छुपा हुआ इम्परफेक्ट व्यक्ति को आप नहीं देख सकते। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है। मैं वो पूरा जो क्रोनोलॉजी एक बार आपके सामने फिर से बता दूं। पापी था मैं, प्रभु ने मेरे लिए सूली पर अपना जीवन दिया। उसे पहचान कर मैं प्रभु के पास गया। विश्वास से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरे कर्मों के कारण नहीं, विश्वास के कारण। मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया तो प्रभु ने मुझे पापों की क्षमा दी। पापों की क्षमा देने के साथ साथ प्रभु ने मुझे शाश्वत जीवन दिया जो मुझसे कभी भी छिना नहीं लिया जाएगा। और शाश्वत जीवन के साथ उस विश्वास के कारण प्रभु ने मुझे लेकर प्रभु यीशु के शरीर के अंग बना दिया। वो सनातन प्रभु जिनकी धार्मिकता सनातन है आज मुझे पूरी तरह से अपने अंदर समेटे हुए है, छुपाए हुए है। यह है विश्वास से धार्मिकता का मतलब। विश्वास शब्द वहाँ इस बात को दिखाता है कि मैं और आप अपने कर्मों से प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते। हमारे कर्म हमको प्रभु के पास नहीं बल्कि प्रभु से दूर ले जाते हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमको प्रभु के पास ले जाता है, क्षमा दिलाता है, शाश्वत जीवन दिलाता है। और अब प्रभु के साथ एकजुट होने के कारण प्रभु की धार्मिकता हमको पूरी तरह से आवरण कर लेती है। और जब प्रभु स्वर्ग से हमारे ऊपर नज़र डालते हैं तो हमको एक भूतपूर्व पापी के रूप में नहीं, एक धर्मी के रूप में देखते हैं। प्रभु यीशु का वो जो प्रकाश हमको आवरण किए हैं वो प्रकाश उनको दिखाई देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक मतलब भी है। ये मतलब समझना हमारे लिए जरूरी है, तभी इसका असली ये जो प्रैक्टिकल पहलू है वो समझ में आएगा। जेल से छूटा हुआ व्यक्ति, भले ही वो निर्दोष हो, उसको कोई नौकरी देता है क्या? नहीं देता। मैं जेलों में सोशल वर्क और प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुना चुका हूं। इस केरल स्टेट में 1978 से लेकर 1981 तक केरल के त्रिवेंद्रम से लेकर कन्नूर तक के सारे जेलों में मैं जा चुका हूं। जेल में पड़े हुए लोगों के बीच में प्रभु का संदेश सुनाने के लिए केरल में एक संस्था है जिसका नाम है, किसी जमाने में था जेल इवेंजलिज्म फेलोशिप, आज वो प्रिसन फेलोशिप के नाम से जाना जाता है। उनके साथ मैं केरल के हर जेल में जा चुका हूँ। हर जेल में मैंने प्रभु यीशु का संदेश केरल में सुनाया है। 18 साल से ऊपर, 80 साल तक के लोगों से जेलों में मेरी बात हुई है। उन सब के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे बताते थे, मैंने गलती नहीं की है, लेकिन मेरे ऊपर नाम लग गया, धब्बा लग गया, कल को कोर्ट यदि मुझे यहाँ से बरी कर देगा तो अभी मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। अरे, भूतपूर्व जेलवासी को कोई नौकरी देता है क्या? नहीं देता है। कोई लड़की देता है कि शादी के लिए? नहीं देता है। यदि कोई स्त्री जेल में है, जेल से छूट कर आई है, ऐसा है क्या समाज में कोई इज्जतदार आदमी जो जाकर उस लड़की से
शादी करेगा, कोई इज्जतदार परिवार उस लड़की को अपने परिवार में लेना चाहेगा क्या? भले ही वो बाइज्जत बरी हुई है, लोग नहीं लेना चाहेंगे। प्रभु नहीं चाहते कि मेरे आपके आत्मिक जीवन में ऐसी घटना हो। जब मुझे और आपको प्रभु ने एक नया जीवन दिया, तो प्रभु नहीं चाहते कि हमारी वो पुरानी पहचान मेरे और आपके रास्ते में किसी तरह की बाधा बनकर आए। इस कारण प्रभु ने हमको पूरी तरह से एक नई पहचान दी है, और वो नई पहचान क्या है? प्रभु यीशु के द्वारा धर्मी। अब ये व्यक्ति पुराना पापी नहीं है, ये व्यक्ति पूर्ण रूप से धर्मी है। और जो व्यक्ति जो भी उस व्यक्ति को देखेगा, ना केवल मनुष्य बल्कि परमेश्वर भी जब उस व्यक्ति को देखेंगे, तो उस व्यक्ति का आवरण देखेंगे। और उस व्यक्ति का आवरण क्या है? प्रभु यीशु की धार्मिकता, प्रभु यीशु की धार्मिकता। उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जाएगा। यह है विश्वास से धर्मी ठहर जाने का मतलब। हम लोग पिछले कई हफ्तों से प्रभु के वचन के बहुत ही मूलभूत बातों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमने जिस बात का अध्ययन किया, वो यहाँ बैठे सभी भाइयों और बहनों को, खासकर उन लोगों ने जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उनको एक बात याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? अब आपको एक नई पहचान दे दी गई है, एक नई आइडेंटिटी कार्ड, एक नई आइडेंटिटी। आपको एक नया आइडेंटिटी कार्ड दे दिया गया। आप इस बात को जानते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड का कितना महत्व है? यदि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड किसी को दे दें, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, वो पूछता है अरे तू कहाँ जा रहा है, तो भैया मैं स्टेडियम में जाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारी ये हिम्मत स्टेडियम में जाने की? कुछ आइडेंटिटी है क्या? और आप यदि अपना आइडेंटिटी कार्ड उसको देते हैं, उस पर लिखा है शाहनशाह बादशाह फलाना फलाना, उस आदमी की क्या हालत होगी? वो आपके पैर पे गिर पड़ेगा, माफी मांगेगा। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं। किसी व्यक्ति को एक नई आइडेंटिटी दी जाती है, तो उसके पीछे यही तो उद्देश्य है। मुझे और आपको जो नई पहचान दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि अब उस नई पहचान के अनुसार जीवन बिताएं। ये भी हम ना भूलें। इस कारण आज इस सभा में जितने लोग प्रभु यीशु द्वारा मुक्ति प्राप्त हैं, वे दो तीन बातें याद रखें। नंबर वन, जब प्रभु आपको देखते हैं, तो आपको इस पहचान के द्वारा देखते हैं। इस कारण आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभु के सामने उस पहचान के अनुसार जीवन बिताएं। संसार जब आपको देखता है, तब यह आपकी जिम्मेदारी है कि संसार इस बात को पहचान सके कि आप इस नई पहचान के अनुसार जी रहे हैं। तीसरी बात, जब आप अपने स्वयं के जीवन को देखते हैं, मनसा वाच्या कर्मणा, तब यह आपकी जिम्मेदारी है कि हर दिन आप प्रभु से याचना करें कि हे प्रभु, आपने मुझे नई पहचान दी है, उस पहचान के अनुसार जीवन बिताने के लिए मेरी मदद कीजिए। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं, इनमें से यदि ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने अभी तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके ये नया जीवन और नई पहचान नहीं पाई है, तो मेरा एक अनुरोध है, प्रिय भाई प्रिय बहन, हम लोग संडे इवनिंग सत्संग में यहाँ इसीलिए आते हैं जिससे कि ये बातें आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा सकें। और इसलिए यदि ये नया जीवन आपने नहीं पाया है, नई पहचान आपने नहीं पाई है, आज संध्या को जब ये सभा समाप्त हो जाए, उसके बाद चाय पानी के बाद मेरे पास आ जाइए, मैं आपको समझा दूंगा, बहुत ही सरल शब्दों में समझा दूंगा, जिससे कि आप प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सकें। क्लोजिंग में एक बात मैं याद दिला दूं, हम सबको जाना पड़ेगा।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सदा सर्वदा यहाँ रहेगा। अपन खुद जानते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे इसका निश्चय आज कर लें। मनुष्य को नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु संसार में पधारे थे। प्रभु यीशु के द्वारा ये नया जीवन पाने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। आइए हम प्रार्थना में सभा को समाप्त करेंगे।